सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नफरती भाषण को छोड़ना सबसे पहली जरूरत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर नेताओं को नसीहत भी दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने हेट स्पीच देने वालों को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल भी दी। कोर्ट ने कहा, वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दराज से इकट्ठे होते थे। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस वी वी नागरत्ना की पीठ ने नफरती भाषण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। इसके अलावा पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि ऐसे मामलों में एफआईआर के मुताबिक क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि सिर्फ शिकायत दर्ज करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मेहता ने बताया कि नफरती भाषणों के संबंध में 18 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अदालत ने कहा, हेट स्पीच को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता है। यदि राज्य अभद्र भाषा की समस्या को स्वीकार करता है तभी उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि अपने नागरिकों को ऐसे किसी भी घृणित अपराध से बचाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। इससे पहले फरवरी महीने में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच को लेकर आम सहमति बढ़ रही है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को नफरती भाषणों के मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।